मैं चित्रा आप सबका नवभारती स्कूल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12th का एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.3 है उसकी। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जो वो एरिया कवर करती है उसको हम फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब जो ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, ये तीनों साइड्स, ठीक है, ये कितना एरिया कवर कर रही है उसको हम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल की वर्टिसेस दे दी है हमें x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। तो जो हमें ये तीनों जो वर्टिसेस हैं, इन्होंने जो एरिया कवर किया है उसको हम निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं, इस एक्सप्रेशन से। ये एक्सप्रेशन क्या है, 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे हम डेल डिटरमिनेंट 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अभी हम सोल्व करके दिखाते हैं। सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/2 बाहर है तो हम 1/2 बाहर ले लेते हैं सबके, क्लोज ब्रैकेट। पहला एलिमेंट हमारा क्या है, x1, तो हम x1 को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या बचेगा, y2 1 y3 1, ठीक है, माइनस। अब हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या है, y1। अब हम इस फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को ढक लेंगे, क्या बचेगा, x2 1 x3 1। थर्ड एलिमेंट क्या है, 1। अब फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को ढक लेंगे, क्या बचेगा, x2 y2 x3 y3, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या आएगा, 1/2 क्लोज ब्रैकेट x1 y2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y2 माइनस 1 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y3 माइनस y1, x2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 माइनस 1 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 प्लस 1, x2 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 y3 माइनस y2 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y2 x3, क्लोज ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 x1 y1 माइनस y2 माइनस y1 को x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के y1 x2। अब y1 को x3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3, क्लोज ब्रैकेट बंद। 1/2 x1 y1 माइनस y2। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x2, तो हम x2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, y3 माइनस y1। इस टर्म में इस टर्म में x3 कॉमन आ रहा है, x3 y1 माइनस y2, क्लोज ब्रैकेट बंद। तो यही एक्सप्रेशन हमारा यहाँ लिखा गया था, ठीक है, यानी इस एक्सप्रेशन को हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या बोला गया कि जो एरिया आया ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है
पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और उसकी नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। डिटरमिनेंट जब कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, डिटरमिनेंट की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकती है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू क्या आई, जीरो, तो हम क्या कहेंगे, जो हमने वर्टिसेस लिए थे वो क्या होंगे, कोलिनियर, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा जीरो के इक्वल आता है तो जो हमारे वर्टिसेस थे वो क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज वर्टिसेस 3, 8 माइनस का 4, 2, 5, 1, ठीक है। हमें 3 वर्टिसेस दे दिए, हमें उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ये ट्राइंगल है, हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए 3, 8 माइनस 4, 2, 5, 1। अब इनको हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2, इसको मान लेते हैं हम x3, y3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकाल लेते हैं, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का डिटरमिनेंट फॉर्म है, फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है यहां पर, 3, y1 की 8, 1, x2 की -4, y2 की 2, 1, x3 की 5, y3 की 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 क्लोज ब्रैकेट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बस 3, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचा, 2, 1, 1, 1। सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट क्या करेंगे, 8 है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, -4, 1, 5, 1, प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है, 1, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, -4, 2, 5, 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस का 8, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4, माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, प्लस 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इस डायग्राम को हम मिटा देते हैं, क्या आएगा, 1/2 क्लोज ब्रैकेट 3 इंटू 2 माइनस 1, क्या आएगा, 1 माइनस का 8 माइनस 4 माइनस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और साइन माइनस का 9, प्लस 1, माइनस का 4 माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का, क्लोज ब्रैकेट 1/2 3 माइनस 8 इंटू में माइनस 9, प्लस हो जाएगा साइन 8, 9, 72 माइनस 14, 1/2 75 माइनस 14, 1/2 माइनस करेंगे 61, तो आंसर क्या है, 61 अपॉन में 2, ठीक है। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटरमिनेंट एंड फाइंड के इफ डी के इज पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट पी बी द पॉइंट जॉइन, बी द पॉइंट लाइन जॉइनिंग ए एंड ए बी, ठीक है, और पी के हम वर्टिसेस मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब हम
वैल्यूज कैसे निकालेंगे उसकी, इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन। लाइन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों वर्टिसेस है उनको हम कोलिनियर वाले, कोलिनियर मानेंगे तो, मानेंगे तो डिटरमिनेंट क्या है हमारा, जीरो। वैल्यूज पुट करेंगे एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये हमारा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। ए क्या है, वन और थ्री, इसको हम मान लेते हैं एक्स वन वाई वन। बी हमारा क्या है, जीरो जीरो, इसको हम मान लेते हैं एक्स टू वाई टू। वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करेंगे एक्स वन की वैल्यू वन, वाई वन की थ्री, एक्स टू की वैल्यू जीरो, वाई टू की जीरो, एक्स थ्री एक्स, वाई थ्री वाई वन, इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सोल्व करेंगे, पहला एलिमेंट क्या है हमारा, वन वन, फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आएगा, जीरो वन बाय वन, माइनस सेकेंड एलिमेंट थ्री, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या आएगा, जीरो वन एक्स वन, थर्ड एलिमेंट क्या, वन, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, जीरो एक्स जीरो वाई, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। आगे सोल्व करेंगे, वन जीरो की वन के साथ मल्टीप्लाई जीरो, माइनस वन की वाई के साथ मल्टीप्लाई वाई, माइनस थ्री जीरो की वन के साथ मल्टीप्लाई जीरो, माइनस वन की एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स, प्लस जीरो की वाई के साथ मल्टीप्लाई जीरो, जीरो की वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई जीरो, इज इक्वल टू जीरो। वन जीरो माइनस वाई माइनस का वाई, प्लस थ्री जीरो माइनस एक्स माइनस का एक्स, जीरो माइनस जीरो जीरो इज इक्वल टू जीरो, माइनस वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस वाई को इधर ले जाएंगे, थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, थ्री एक्स, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स के बराबर होगा, ये हमारी क्या आ गई, लाइन जॉइनिंग इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसके आगे बोला है कि जो कोई डी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा मान लो ये ए है, ये बी है और ये डी है, ये कोई डी पॉइंट है, डी की वैल्यू हमारे पास के और जीरो, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में दे रखा है, अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आगे करेंगे हम इसके, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ये निकालेंगे, ये दे रखा है हमें पहले से थ्री स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल वन बाय टू एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये फॉर्मूला है, पहले उस पुट कर देंगे, एरिया पहले से गिवन है तो हम लिख देंगे प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू वन बाय टू, एक्स वन की वैल्यू क्या है वन, एक्स टू की वाई वन की थ्री, एक्स टू की जीरो, वाई टू की जीरो वन, एक्स थ्री क्या है हमारे पास के, वाई थ्री जीरो वन, ठीक है। आगे हम सोल्व करेंगे, ये वन बाय टू दे रखा है, टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है वन, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचा, जीरो वन जीरो वन, माइनस सेकेंड एलिमेंट थ्री, फर्स्ट रो को और सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा, जीरो वन के वन, प्लस थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा, जीरो जीरो के जीरो, प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू वन, जीरो के वन के साथ मल्टीप्लाई जीरो, वन की जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, माइनस का थ्री, जीरो के वन के साथ मल्टीप्लाई जीरो, माइनस वन की के साथ मल्टीप्लाई के, प्लस जीरो की जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, जीरो की के साथ मल्टीप्लाई जीरो, प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस जीरो वाली टर्म तो जीरो ही होगी, माइनस थ्री जीरो माइनस के माइनस का के, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल माइनस थ्री इंटू माइनस के प्लस का थ्री के, k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस टू,
हम चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारे पास है एक्सरसाइज की क्वेश्चन, अब क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट गिवन। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है वर्टिसेस हमें गिवन है उनसे। पहला पॉइंट है 1 0 6 0 4 3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इसको हमने मान लिया x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, इसको मान लिया हमने x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, 1 by 2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। 1 by 2 x1 की वैल्यू क्या है, 1, y1 की 0, x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 6, y2 की 0 1, x3 की वैल्यू 4, y3 की 3 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे क्या, 1 by 2 ये कर लेते हैं, 1 by 2 क्लोज ब्रैकेट, पहला एलिमेंट 1, फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे क्या बचेगा 0 1 3 1, माइनस सेकंड एलिमेंट क्या है 0, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। थर्ड एलिमेंट 1, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा 6 0 4 3, क्लोज ब्रैकेट 1, 1 by 2 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 1 को 3 से करेंगे 3, प्लस 1 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, माइनस 0 को 4 से करेंगे तो 0, क्लोज ब्रैकेट 1, 1 by 2 माइनस का 3 प्लस का 18 इज इक्वल टू 1 by 2, 18 में से 3 गया कितने बचे, प्लस का 15, तो हमारा एरिया क्या आ गया 15 upon 2, ये हमारा आंसर आ गया। हम आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट हमारा 2 7 1 1 10 8, इसको ले लेते हैं हम x1 y1 x2 y2, इसको ले लेते हैं x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, 1 by 2 पुट करेंगे वैल्यूज, x1 की वैल्यू क्या है 2, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 10, y3 की वैल्यू 8, 1 by 2, पहला एलिमेंट क्या है 2 लिख देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा 1 1 8 1, माइनस सेकंड एलिमेंट क्या है 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा 1 1 10 1, थर्ड एलिमेंट 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा 1 1 10 और 8, 1 by 2, 2 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई 8, माइनस 7 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, माइनस 1 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 10, प्लस 1 1 की 8 के साथ मल्टीप्लाई 8, माइनस 1 की 10 के साथ मल्टीप्लाई 10, 1 by 2, 2 1 माइनस 8 माइनस का 7, माइनस 7 1 माइनस 10 माइनस का 9, प्लस का 1 8 माइनस 10 माइनस का 2, 1 by 2, 2 माइनस 17 माइनस का 14, 7 नहीं जा 60, प्लस का हो जाएगा माइनस का 2, 1 by 2 माइनस 16 प्लस का 63, 1 by 2
सेवन अपॉन में टू, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, वो आप खुद कर लेना। तो हम आगे चलते हैं, आगे शो डेट पॉइंट, शो करना है कि जो हमें पॉइंट दे रखे ए बी सी वो कोलिनियर है। कोलिनियर क्या होगा, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आएगा, जीरो के। तो हम निकालेंगे वन बाय टू, एक्स वन क्या है हमारे पास ए, एक्स बी वाई वन बी प्लस सी वन, एक्स टू क्या है हमारे पास बी वाई टू सी प्लस ए, एक्स थ्री क्या है सी वाई थ्री ए प्लस बी, ठीक है। वन बाय टू पहला एलिमेंट क्या है हमारा ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा सी प्लस ए वन ए प्लस बी वन, माइनस सेकेंड एलिमेंट बी प्लस सी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा बी वन सी वन प्लस वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे बी सी प्लस ए सी ए प्लस बी, ये बचेगा। तो सॉल्व करेंगे क्या वन बाय टू ए सी प्लस ए की वन के साथ मल्टीप्लाई सी प्लस ए माइनस वन की ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ए माइनस का बी प्लस सी, बी की वन से मल्टीप्लाई करेंगे बी माइनस सी की वन के साथ सी प्लस बी इंटू में ए प्लस बी माइनस सी इंटू में सी प्लस ए, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाय टू ए से ये कैंसिल मल्टीप्लाई कर देंगे के अंदर ए सी माइनस का ए बी माइनस बी प्लस सी या बी माइनस सी क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर बी ए माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी ए, बी स्क्वायर कैंसिल बी ए से ये बी ए कैंसिल ए सी से ये सी ए कैंसिल सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल क्या आया जीरो। तो यानी कि जो पॉइंट दे रखे थे वो क्या आ गए कोलिनियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ के एरिया ऑफ ट्राइंगल फोर स्क्वायर यूनिट दे रखा है। अगर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आया फोर स्क्वायर यूनिट, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है के जीरो फोर जीरो जीरो टू, ये हमारे पॉइंट है ट्राइंगल के। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स वन वाई वन, इसको मान लेते हैं एक्स टू वाई टू, इसको मान लेते हैं एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल वन बाय टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये फॉर्मूला होता है गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस माइनस का फोर वन बाय टू, एक्स वन की वैल्यू के वाई वन जीरो, एक्स टू की वैल्यू फोर वाई टू जीरो, एक्स थ्री की वैल्यू जीरो वाई थ्री टू, ये हो गया। अब टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस का एट, पहला एलिमेंट क्या है के, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा जीरो वन टू वन माइनस जीरो, तो सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। थर्ड एलिमेंट वन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे क्या बचेगा फोर जीरो जीरो टू प्लस माइनस एट के, जीरो की वन के साथ मल्टीप्लाई जीरो माइनस टू की वन के साथ मल्टीप्लाई माइनस टू प्लस वन, फोर की टू से मल्टीप्लाई एट क्या आया प्लस माइनस का एट इज इक्वल टू माइनस का टू के प्लस का एट, इस एट को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस एट माइनस का एट इज इक्वल टू माइनस का टू के, ठीक है। जब अगर एट प्लस का होगा तो के की वैल्यू क्या आ गई एट माइनस एट जीरो माइनस टू के, तो के की वैल्यू क्या आई
जीरो, और अगर एट माइनस का होगा तो के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस का टू के, के की वैल्यू क्या आई एट, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, फोर दे रखा है, तो प्लस माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू माइनस टू, वाई वन जीरो, एक्स टू की वैल्यू जीरो, वाई टू फोर, एक्स थ्री की वैल्यू जीरो, वाई थ्री के, सोल्व करेंगे, प्लस माइनस फोर, इस टू को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एट, माइनस टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टू को फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा फोर वन के वन, सेकेंड एलिमेंट क्या है जीरो, तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, थर्ड एलिमेंट वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा जीरो फोर जीरो के, प्लस माइनस एट, माइनस का टू के, फोर के वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या फोर माइनस वन की के साथ मल्टीप्लाई के, प्लस वन जीरो की के साथ मल्टीप्लाई जीरो, फोर की जीरो के साथ मल्टीप्लाई जीरो, क्या बचेगा प्लस माइनस का एट इज इक्वल टू अंदर कर दे इसकी मल्टीप्लाई, माइनस का एट प्लस का टू के, जब प्लस का एट होगा तो के की वैल्यू क्या आएगी, इस एट को इधर ले देंगे तो क्या आएगा एट प्लस एट इज इक्वल टू टू के, सिक्सटीन इज इक्वल टू टू के इज इक्वल टू एट, और जब ये माइनस होगा तो क्या आएगा, के की वैल्यू क्या आएगी जीरो, ये हमारा आंसर आ गया। हम आगे चलते हैं, आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, ठीक है, तो हमने मान लिया पॉइंट, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी, ये हमारा पॉइंट है ए और ये हमारा पॉइंट है बी, ठीक है, पी की हमने वैल्यू ले ली x और y, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइन जॉइनिंग इक्वेशन निकालेंगे, तो हम इसको कोलिनियर लेके चलेंगे, कोलिनियर लेके चलेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो के इक्वल आया, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 जीरो के इक्वल, वैल्यूज पुट कर दो, x1 क्या है 1 y1 2 x2 थ्री वाई टू सिक्स एक्स थ्री एक्स वाई थ्री एक्स वाई जीरो के इक्वल, पहला एलिमेंट एक्स वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें क्या बचेगा सिक्स वन वाई वन, माइनस सेकेंड एलिमेंट टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दें क्या बचेगा थ्री वन एक्स वन, थर्ड एलिमेंट वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें क्या बचेगा थ्री सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स वन सिक्स के वन के साथ मल्टीप्लाई सिक्स माइनस वाई माइनस टू, थ्री के वन के साथ मल्टीप्लाई थ्री माइनस वन की एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सिक्स माइनस वाई माइनस टू को अंदर लेंगे माइनस का सिक्स प्लस का टू एक्स प्लस का थ्री वाई माइनस का सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सिक्स से सिक्स कैंसिल, क्या बचा थ्री वाई इधर माइनस का है तो प्लस का टू वाई, इधर का टू एक्स है इधर माइनस सिक्स है माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, टू वाई इज इक्वल टू फोर एक्स हो जाएगा, टू से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा वाई इज इक्वल टू टू एक्स, ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, सेम इसी तरह सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड क्या है लेट पी बी द पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग ए बी, इसको हम नाम ले देते हैं ए, इसको नाम ले लेते हैं हम बी, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के करेंगे हम एरिया जीरो के इक्वल लेके चलेंगे,
x1 y11 x2 y21 x3 y31 जीरो के इक्वल वैल्यूज पुट कर दो, x1 की वैल्यू 3, y1 की 1, x2 की वैल्यू 9, y2 की 3, x3 की वैल्यू x, y3 की वैल्यू y, 0, 3 पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में छोड़ दें क्या बचेगा 3 1 y 1 माइनस सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में छोड़ दें क्या बचेगा 9 1 x 1 प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें क्या बचेगा 9 3 x 5 इज इक्वल टू 0 3 के वन के साथ मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 के वन के साथ मल्टीप्लाई y माइनस 9 के वन के साथ मल्टीप्लाई 9 x प्लस 9y माइनस का 3x इज इक्वल टू 0 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 माइनस का 3y माइनस का 9 प्लस x प्लस का 9y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 9 से 9 कैंसिल इधर माइनस का 3y इधर प्लस का 9y तो कितना हो जाएगा 6y प्लस x इधर माइनस 3x क्या देगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 0 6y इज इक्वल टू 2x 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू x ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं नेक्स्ट है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 35 के यूनिट और वर्टिसेस दे रखे हैं हमें 2 माइनस 6 5 4 के एंड 4 तो के की वैल्यू बतानी कौन सी इनमें से कौन सी करेक्ट है ठीक है हम क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है 35 इज इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू क्या है x1 y1 ये रहे 2 माइनस 6 1 x2 y2 5 4 x3 y3 k और 4 ठीक है इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं क्या देगा प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 2 पहला एलिमेंट 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें क्या बचेगा 4 1 4 1 माइनस सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो क्या बचेगा 5 1 k 1 थर्ड एलिमेंट प्लस 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दें क्या बचेगा 5 4 k 4 ठीक है सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 70 2 4 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 के 4 के साथ मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस पर क्या हो जाएगा प्लस का 6 5 के 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 माइनस के प्लस 5 के 4 के साथ मल्टीप्लाई 20 माइनस 4 की के साथ मल्टीप्लाई 4 के प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0 प्लस का 6 6 5 जा 30 6 5 जा 30 माइनस 6 के केस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 के प्लस 20 माइनस 4 के प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा 50 माइनस 6 के माइनस 4 के 10 के इस 50 को इधर ले जाएंगे प्लस माइनस 70 माइनस का 50 इज इक्वल टू माइनस का 10 के ठीक है दो केस बनेंगे जब प्लस का 70 होगा तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 5 के इज इक्वल टू माइनस का 10 के 70 माइनस 50 क्या होगा 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 के कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू के एक वैल्यू क्या है माइनस का 2 जब माइनस का 70 होगा तब क्या आएगा माइनस का 120 इज इक्वल टू माइनस का 10 के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 12 यानी k की वैल्यू क्या है माइनस 2 और 12 तो कौन से ऑप्शन में माइनस 2 और 12 यानी कि डी में तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा डी ठीक है इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं पर ही खत्म होती है।